सो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा और मेरे चैनल का नाम है कुक विद साजिदा। हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो भी पसंद आती है आप लोग को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता है, कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। सिर्फ होता ये है कि मैं कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच जाता है और आप लोग उसको देख पाते हैं सबसे पहले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप भीगी हुई चने की दाल। चने की दाल को मैंने 6 से 7 घंटे भिगो दिया था। तो अब यहाँ पे लिया है कुछ हरी मिर्चें, कुछ कड़ी पत्ते के टुकड़े और फ्रेश धनिया, और नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से। तो हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो हम मिक्सी का छोटा वाला जार ले लेंगे और इसमें डाल लेंगे जो हमने चने की दाल रखे हुए थे। यहाँ पे आप कोई भी भीगी हुई दाल ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चने की ही दाल ले। तो चलिए अब इसमें धनिया पत्ता और कड़ी पत्ते को जो हमने तोड़ के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे, और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी और साथ ही भुने हुए जीरे का पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, उभर के आएगा। तो अब इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका ढक्कन जो है बंद कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। खूब बढ़िया से पेस्ट बना है, देखिए इतना ही आपको भी इस तरह से पेस्ट बना लेना है। तो अब सारा मैं इस बॉल में निकाल लूँगी और इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक बारीक सा कट कर लिया है और इसको मैं इसमें डाल दूँगी, और फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। हालांकि हमने धनिया पत्ता को पीस लिया है पहले ही, लेकिन इससे और भी बढ़िया टेस्ट आएगा, आप इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाना चाहिए सारे मसाले आपस में। और दूसरी साइड मैंने जो है तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए चूल्हे की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बढ़िया सी तेल जो है गरम हो गया है। तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी मनपसंद शेप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस तरह से गोल शेप में बनाया है। आप चाहो तो कोई भी शेप आप अपनी मनपसंद की दे सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं गोल टिकिया या फिर कबाब की शेप में ही बना लेती हूँ। तो एक साथ हम 5 फ्राई करेंगे और ये इजी रहेगा हमें पलटने में, तो इसके लिए मैं 5 ही करूँगी। साथ ही इसका कलर चेंज हो जाए अच्छे से 1 साइड, तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे जब तक इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पे हमें कलर चेंज हो गया है, अब इसको पलट लेना है। देखिए कितना अच्छा बढ़िया सी कलर आया है, देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बन रहा है। अब इसको दूसरी साइड भी ऐसा ही पकाना है हमें, तो जितना टाइम हमें लगा है एक साइड पकाने में उतना ही लगेगा दूसरे साइड पकाने में। तो देखिए कितना बढ़िया से कलर आ गया है, यानी कि ये पक गया है। अब इसको फटाफट से निकाल लेते हैं गर्मा गर्म प्लेट में। इसी तरह से हमें सारा बनाना है। देखिए इस तरह से गर्मा गर्म स्नैक बना लीजिए, शाम को बनाइए या सुबह बना लीजिए, झटपट से बन जाता है। तो देखिए सारा मैंने प्लेट में निकाल लिया है, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। इसी तरह से हम सारा बना लेते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चना दाल वड़ा बना लिया है मैंने, देखिए कितना यमी दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करो मेरे कहने पे, यकीन मानिए गाइस, बार बार आप इसी तरह से बनाओगे, इतना यमी डिलीशियस है खाने में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।